घटिया बातें कर रहे हो तो तुमसे कहने के लिए ना मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। जा रही हूँ मैं डॉक्टर रणवीर ओबेरॉय, अपना सामान लेकर इस घर से जा रही हूँ। अंश की हुई मौत, सुहानी ने छोड़ा रणवीर का घर। बात हो रही है कलर्स टीवी की पॉपुलर शो सिर्फ तुम की। आने वाले एपिसोड में आप बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने वाले हैं। सबसे पहले अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अंश की जो है मौत हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे कि आपको पता ही है कि हनी जो है रणवीर पर गोली चलाने वाली होती है, लेकिन वो अंश पर चला देती है, जिसके बाद अंश की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रणवीर जो है जमकर शराब पीता है, और यहाँ पर सुहानी रणवीर से कहती है कि तुमने वादा किया था कि शराब नहीं पियोगे, तुमने मेरा वादा तोड़ा। और साथ ही साथ जो है सुहानी रोने लगती है, और फिर जो है यहाँ पर सुहानी रणवीर से कहती है कि कम से कम अंश की मौत का दुख तो सबको मना लेने दो। जहाँ पर रणवीर कहता है कि अंश कभी तुम्हारा भी पति हुआ करता था, तुम्हें भी बहुत दुख हुआ होगा। यहाँ पर सुहानी गुस्से में कहती है कि तुम ऐसी घटिया बातें क्यों कर रहे हो, और फिर सुहानी कहती है मैं तुम्हारे घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब आने वाले एपिसोड में ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि सुहानी ने रणवीर के घर को छोड़ने का फैसला ले लिया है, लेकिन क्या वाकई में दोनों की राहें जुदा हो जाएगी। टीवी सीरियल से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।